Oksana, I'm so sorry, after my introduction, you can ask me. Assalamu alaikum and kya haal hai? Assalamu alaikum. Matlab, you are beyond introductions. So, aur aap anchor bhi karti hain aur log aapko peace transmission mein bhi dekhte hain and all that. Lekin abhi to aap lag raha hai ki koi health spot se aayi hai, to baalon ko bhi kuch aapne kiya hua hai aur hai changes bade jo. To yahan aap ek mujhe lagta hai ki koi kaam sham karne ke liye to duniya bhar mein ghoom rahi hoti hai, lekin lagta hai ki aapne कोई थोड़ी बहुत हॉलीडे भी वेकेशन भी गलती से हो गया आपको टाइम मिल गया है. सो जरा कुछ बताएं कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, कहां से आ रही है? मैं भी जापान से आ रही हूं. ओह अच्छा, दो महीने के लिए मैं वहां पे थी. ये 2 months व्हाई वाज दैट? ये एक लीडरशिप प्रोग्राम था. अच्छा, जो जापानीज गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था. हां, और एशिया से कुछ लीडर्स को वो बुलाते हैं. लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक इंसेंटिव मेरा कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो. मेरी किताब का जापानीज ट्रांसलेशन, जो टैबू है किताब, उसका जापानीज ट्रांसलेशन भी इसी वक्त लॉन्च होना था. तो वो और ये जी साथ साथ जरा देखें कि जापानीज एक्सपेडिशन जो है उसकी तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, टैबू हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. जी, हिंदी, मराठी, उर्दू, तो अब जापानीज में हुई है. तो साथ साथ ये था कि फिर बुक टूर जिस तरह होता है बहुत ही यूनिवर्सिटीज में, बड़ी सिविलाइज्ड भी है, पोलाइट भी, बेतहाशा है, इंसान को शर्मिंदगी सी होने लगती है, इतने पोलाइट है. और वैसे भी आप देखो तो इतनी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इतनी साफ सुथरी, इंसान सोचता है इन्होंने कैसे कर लिया. हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल. ये और 2 महीने आप रही हैं तो कुछ तो पता चला होगा कि क्या वजह है. बहुत जगह के बहुत मैं शहर में गई. हाँ, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक को दिखाने के लिए उन्होंने रखा हो शहर, सब जगह ही वैसे था. कि जो सिस्टम्स हैं बहुत इफेक्टिवली चल रहे हैं, पब्लिक प्लेस इतनी सेफ, बहुत सेफ. यू वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एक कह लो कि प्रॉपर विजिट. पहले मीटिंग अलग भी साथ था आपके? नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए इतनी अच्छी लगी है. वापसी वो वेकेशन पार्ट मैंने उसके बाद लिया थाईलैंड में. अरे थाईलैंड में, अच्छा अच्छा, सच में फ्रेश हो गई. अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये जो दिन था एलिमिनेशन ऑफ वायरस के, दिन का जो डे था, दिस वाज 25th. अभी इश्यूज बहुत हैं जो भी रिजॉल्व होने हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि नजर उस चीज पे रखनी चाहिए कि जहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ताकि लोगों को मायूसी ना हो और उनको पता चले कि भाई कोई आगे कदम हो रहा है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब आपको पता है 9 मार्च को साइन हुए थे जो जिनसे नसीहत के नाम थे, और हमारे 6 महीने से ज्यादा 8 महीने हो गए तकरीबन. तो बहुत अच्छी पेशी आशा की कितनी कावेश थी और कितना एफर्ट था आपके में. अभी भी नहीं सो पाते और हम भी कर रहे हैं. आशा इज द अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो भी एक, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट डॉक्टर फौजिया डज, नॉट ओनली द थिंग. अच्छा, और वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त हमारी रही और अभी भी वो चल रही है. और मुझे बड़ी खुशी होगी बताते हुए कि जो हुकूमती इदारे जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने के लिए, वो इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो कि बड़ी मुद्दत के बाद ऐसे देखा है कि इतना सपोर्ट हो. जैसे स्टेट बैंक जो है उसने सारे बैंक्स को इशू किया नोटिफिकेशन कि सब अपनी कमेटियाँ बनाएं, सब ये ज़्यादा अखलाक अपनाएं. इसी तरह पैमरा जो है उसने नोटिफाई किया, तो पीटीवी में भी, पीटीवी ने तो खैर पहले भी बना ली थी लेकिन बाकी के चैनल्स जो है वो भी जल्दी जल्दी बना रहे हैं. तो कंप्लायंस जो है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत हो रहा है, गवर्नमेंट साइड में बहुत हो रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है. हम तो समझते हैं जो 25 नवम्बर का दिन था उसने ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेस हुई है, पर नहीं होता है कि आप सिर्फ अपना एक ही तरह का रोना रोते रहो तो फिर उम्मीद नहीं आती. हाँ, वो जो भी कहते हैं कि ये तो बस रोते ही रहते हैं. इनका तो ये काम हो जाए तो ये दूसरे काम के लिए रोते रहते हैं और बस ये इधर ये रोना धोना ही चलता है. सपोर्ट और मांगनी चाहिए और सपोर्ट और बहुत सारे काम और होने चाहिए, लेकिन
की प्रोटेस्ट जारी रहती है। मगर ये कि जहाँ पर कोई चीज एक नाम उठा लिया ना, वहाँ उसको सक्सेस बनाने के लिए सबने हिस्सा डालना है। तो अगर सब कंप्लेनिंग में लगे रहेंगे तो हाँ। अपना हिस्सा कैसे डाल। प्लस आपने जिस चीज के लिए, जिसको करवाने के लिए आपने कितना काम किया है, वो फिर आपको लोगों को ये भी तो दिखाना होता है कि भाई इससे हम ये कर सकते हैं, ये बेहतरी आई है, इट वर्क्स। तो दैट इज व्हाई वी वर फाइटिंग फॉर इट सो मच। Yes. कोई रिजल्ट भी तो आपने दिखाना था, वरना वो कहेंगे कि इनका इतना जो रोना पड़ता था, ये किस चीज के लिए था, व्हाट हैव दे डन, हाउ हैव दे डिलीवर्ड। नहीं, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही है। मगर लोगों को अभी ये थोड़ी सी मैंने बात समझानी है कि पहले सिस्टम्स जो है ना वो इन प्लेस होंगे। आपको ऑन द ग्राउंड रिजल्ट थोड़ा सा बाद में दिखना शुरू होगा। वैसे तो खैर ये बड़ी आम बात है और लोग बात भी करते हैं कि इसको क्राइम कह दिया तो उससे मेंटली बड़ा लोगों पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी खवातीन है, हमें जो केसेस आने शुरू हुए हैं वो पहले से बहुत ज्यादा है, बाकायदा तौर पर उनका कुछ ना कुछ रिजॉल्व हो रहा है, ज्यादा रिपोर्ट होने लगता है जी। हमारे जो लीगल एड सेंटर्स हैं आशा के 6 पाकिस्तान में, वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, आसपास के शहरों से भी आ रहे हैं और वहाँ डायरेक्ट हेल्प मिल रही है उनको, लीगल एड मिल रही है। अभी बहुत सारा आगे सफर बाकी है, लेकिन ये एजेंडा पे क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या है इस वक्त, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मैंने अगला 1.5 साल उसके लिए कमिट किया, ठीक है। अभी तकरीबन 1 साल के करीब हुआ, 1 साल और हम लगाएंगे तो हम समझते हैं कि मैकेनिज्म हम सेट कर देंगे, उसके बाद पाकिस्तान की औरतें जो है ना वो इसका इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के इदारे इसका इस्तेमाल करें, फिर आशा को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। काम ठीक है दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अच्छा जी, भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुझे आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए वो मछली तुलते हुए जो है ना बड़ा शोर मचा रहे हैं, है कि डॉक्टर आपके लिए खास टैमरिंड फिश बन रही है। मैं बहुत अच्छा खा के आई हूँ और अच्छी नहीं कह रही थी, जापान में खाने पीने का क्या है साहब? आप कुछ ना पूछो, वो मैंने तस्वीरें ले ली आपको, वो एक तो हर चीज कच्ची बहुत चलती है वहाँ, तो शुरू में तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई। और आपने तो मछली सुशी अब इतना वो स्पेशलिटी बना के देते हैं आपको, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत डाली। लेकिन जो एक मैं मेंशन करूँ बात, वो इतना खूबसूरत होता है, जो उनका लेआउट होता है ना खाना जिस तरह पेश करते हैं, और उसमें इतने रंग और इतनी वो नफासत और खूबसूरती से कि आपको पता चलता है कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है जिसकी की कोई हिस्ट्री कौन मजा आया इसका। बिल्कुल अच्छा, चलिए नहीं आज आपको अजीब और गरीब चीजें भी पकी हुई मछली के पकी हुई मछली के ला रहे। अच्छा सॉरी, आप बात कर रही थी कि आशा को हम बंद कर देंगे। हाँ, क्योंकि नेटवर्क जो है ना, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ, मुझे ये अहम बात लगती है कि नेटवर्क्स किसी मकसद से शुरू होने चाहिए और वो मकसद पूरा हो जाए तो नेटवर्क्स बंद हो जाने चाहिए। तंजीमों का भी मेरा ये ख्याल है, हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको रगड़ा लगाते हैं आप, उसको पुश करते चले जाते हैं, वो एक इदारे से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, फिर वो इदारे की अपनी मुक्कत नहीं रहती बल्कि उसको जबरदस्ती उसके ऊपर ठूंसी जाते हैं। तो आशा को फिर हम अभी भी जब लॉ पास हो गए थे तो हमने बुला के सब मेंबर्स को पूछा था कि अब पॉलिसी भी बन गई है, लॉ भी बन गया है, ये हमारा टारगेट था तो हम इसको बंद कर दें। तो सबने कहा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के 2 साल आप निकालो क्योंकि वहाँ फिजल आउट हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। मैं सॉरी, एक आपकी बात में एक और चीज़ मैंने व्यूज को बतानी है। आप भी बहुत काम कर रही थी फ्लड रिलीफ के हवाले से, आपकी डिफरेंट लोग भी आपके साथ थे, आपकी तंजीमें भी थीं। ये काशिफ महमूद हैं हमारे जो एक्टर हैं, ये अभी 2-3 दिन पहले जो है प्रोग्राम में आए हैं और काशिफ ने अपना नंबर दिया लोगों को, और काशिफ हैज बीन टेलिंग मी एवरी डे, इज बीन कॉलिंग मी, इज बीन टेलिंग मी कि जी मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं था, और अभी ये 2-3 दिन में 20 लाख रुपया जो है वो प्लेज कर दिया है लोगों ने। बिकॉज काशिफ घर बनवा रहे हैं और उसने सारी फुटेज वगैरह दिखाई है कि ये घर बन रहे थे, ये घर बन रहे ऐसे इतने लोग जो है उनको छत मिल गई है। तो 20 लाख रुपया जो है वो प्लेज हुआ है, जिसमें से जो है काफ़ी अमाउंट, कुछ अमाउंट ये भी मैं बताती हूँ, उसने कहा भी लोगों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करें, ये अमाउंट आ गया है। और ये याद रहे कि अकाउंट खुले हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए, सो पीपल वेरी हेल्पिंग आउट। और ये जी मिसेस हमजा खान है, 1,70,000 रुपये उन्होंने डोनेट किया है, नसीम चौधरी है मुजफ्फराबाद से उन्होंने 30,000, आपदा है गुजरात वाला से उन्होंने 15,000, और जो होता है कि आपके रिलीफ गुड्स होते हैं पहुंचाए, उसमें हम जो मोटरवे हाईवे पुलिस है उसके साथ ज्यादा हमारी कोलैबोरेशन थी, और हम चरसदा साइड और मुशायरा की तरफ ज्यादा काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मेरे जिस तरह आपने कहा कई रोल्स हैं,
तो मेहरगढ़ मेरी तंजीम उसके साथ भी था और जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन है जिसकी मैं मेंबर हूँ उसके तहत हम लोग ज़्यादा ही देख रहे थे कि ख़वातीन की क्या नीड्स हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे वक्तों में एक तरह से तो लोगों के दिल नरम भी होता है बहुत सारा चंगा और मदद भी आती है लेकिन दूसरी तरफ से जुड़ान भी बढ़ जाते हैं और बहुत सारी हरासमेंट और बहुत सारा किडनेपिंग भी शुरू हो जाती है जो बड़ी बुरी बात है ऐसे वक्तों में होना नहीं चाहिए लेकिन उस किस्म के मसाइल और फिर ख़ास औरतों की क्या नीड्स हैं वहाँ पर प्रेगनेंट औरतें भी थी वहाँ औरतों की सफाई का जो हिसाब था जो उनको उस वक्त में चाहिए थी उस तरह की नीड्स भी आइडेंटिफाई की और हुकूमत के साथ कलाबरेट किया कि किस तरह की चीज़ें पहुँचानी किस तरह की बातें उनके साथ हमें इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए है रिलीफ को एक तरह का जेंडर सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे ज़्यादा ऐसा अच्छा डॉक्टर साहब अब नेक्स्ट जो है आप किस लेजिस्लेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं देखिए एक तो डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्प करनी है दूसरा मैं आपको बताऊं जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनके इशू के ऊपर मैं बहुत सालों से काम करती रही हूँ और हमारी बड़ी अच्छी अच्छी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं उसके ऊपर एक एजेंडा सभी बहुत है जी उनका एक है सोशल प्रोटेक्शन कमीशन एक बनाने का सोच रहा है गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इसमें इन्वॉल्व और बहुत इंटेंशन उसकी नीयत है कि वो कुछ करेंगे इनके लिए एक पॉलिसी बनेगी होम बेस्ड वर्कर्स की और एक लेजिस्लेशन का फीस है जिसके थ्रू सोशल प्रोटेक्शन आपको पता है जो बेसिक इनकम है औरतों की उससे बहुत कम ये कमाती है पूरी पूरी फैमिली सारा सारा दिन काम करती है तो इतने थोड़े पैसे कमाती है और वल्नरेबिलिटी इतनी है कि कोई एक बीमार पड़ जाए तो एकदम कोई एक बंदे की डेथ हो जाए या उस औरत की या उसके किसी एक फैमिली मेंबर की अर्निंग मेंबर की तो ये उस किस्म का है जो सोशल प्रोटेक्शन देगा हादसा हो जाए या कोई बीमारी की सूरत में या मौत की सूरत में मतलब वो बीमार होना भी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये एक इंश्योरेंस की किस्म की चीज है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पे आजकल हम लोग काम कर रहे हैं अच्छा तो आपको अब जो हमारी खवातीन पॉलिटिशियंस हैं MLAs वगैरह हैं उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलती है उन्होंने भी कोई अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं एक वुमेन कॉकस भी बना हुआ है आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं खवातीन का तो ये है कि दोनों हाउसेज में नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी काफ़ी अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो वर्ल्ड पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सीखना चाहिए कि ये पार्टी लाइन से हट के जब औरतों के इश्यूज होते हैं तो उस पर कलेबरेट करते हैं और कॉकस जो बन गया वो मेरा ख्याल हमारे जो स्पीकर साहबा उनका इनिशिएटिव था और बहुत अच्छी तरह से लीड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बाकी सारी पार्टी की खवातीन भी बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करती हैं स्पीकर साहबा से तो वो एक होता है स्टैचर उन्होंने मेंटेन किया और अब मुझे ये पता चला है सब पार्टी की खवातीन इकट्ठी हैं बिकॉज नेशनल इश्यूज है ना इसमें बहुत से अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और तंजीमें मेरा ख्याल है कभी इतना क्लोज नहीं थी अच्छा आप कह रही हैं कि मर्द पॉलिटिशियन जो है उनको सीखना चाहिए और अभी हम लोग उसमें बात कर रहे थे कि जो एक वाइब निकलती है वो ये होता है इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि नहीं जी जो खवातीन पॉलिटिशियंस हैं तो कुछ नहीं कर रही हैं वो तो अपने बस फैशन में लगी हुई है अपने प्रमोशन में लगी हुई है अपने लड़ाई झगड़ों में लगी हुई है ये इम्प्रेशन आशा मैं बताऊं कि ज्यादा कुछ स्टीरियोटाइप हमेशा खवातीन के काम को अंडररेट किया जाता है और कुछ ऐसी पोजीशन जरूर होंगी कि जो अपनी फैमिली की वजह से आई हैं लेकिन बिलीव में ज्यादातर आप देखते हैं ना आवामों में वो खवातीन है जिन्होंने कुछ किया जिनका कुछ एक्सपीरियंस है अभी आप देखो ब्लास्फेमी का इशू उठा तो शहरी रहमान लीव ले रही है कितना अच्छा लगता है इस तरह से बहुत सारे और इशूज पे बहादुरी से खवातीन पार्लियामेंटेरियन जो है आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनी है क्योंकि बीच में पॉलिटिकल इतने ज्यादा हैम्पर कर रहे थे इस प्रोसेस को लेकिन उसमें उनका जीत जाना कितनी बड़ी बात थी इसी तरह मैं समझती हूँ पार्लियामेंट में तो ऐसे आज पिछले साल में देयर हैज बीन क्वाइट अ लॉट और मतलब आज बहुत रीजन है सेलिब्रेट करने का बहुत फर्क पड़ा है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कुछ चीजें हमें पकड़ा के दे दी गई हैं अब उसको लेके अगर हम आवाम भागे नहीं तो फिर हम बड़े लॉस में होंगे यानी अगर आपको कानून बना के भी दे दें और ये भी कह दें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम हेल्प करेंगे तो फिर अगर लोग ना साथ दें तो फिर बड़ा हमारा लॉस हो जाएगा उसमें दो तीन चीजें अगर आप कहो तो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जो बहुत स्पेसिफिक खवातीन करें एक तो मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे इदारों में कमेटियाँ बन रही हैं और जैसे जैसे इदारों में आगे फैल रही है वैसे वैसे अब औरतों को हिम्मत कर रही है अगर उनका केस सुना जाता है या नहीं सुना जाता हमने अपने दारों को खुद एजुकेट करना अब औरतें जो है ना वो आगे आए रिपोर्ट करेंगी क्योंकि मैकेनिज्म बना के खाली क्या मैं इनफैक्ट डॉक्टर फौजिया आपसे भी यही बात करने लगी थी कि ये जो लेजिस्लेशन आई है
या हम लोगों ने जिस तरह वो तब सेलिब्रेट किया वहां पे, और उसके बाद ऐसी जैसे ये आसमा बनी, मुझे बताया एक आम औरत की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है? खेतों में काम करना है, अपना घर चलाना है, जिसने सुबह से रात तक मेहनत मुशक्कत मजदूरी करनी है, उसको तो शायद पता ही नहीं कि ये क्या हुआ। हाँ, पर ऐसा ऐसा पता चलना चाहिए। और इनमें से एक कानून तो है ही उस औरत के लिए, हाँ, जो खेतों में काम कर रही है और मजदूरी कर रही है फैक्ट्रियों में, जो जिनसी हरासियत 509 है, सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड का, वो तो है ही उस औरत के लिए, सब सबके लिए, मतलब पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो कवर होती है उसमें। तो उसमें ये है कि जितना आपके प्रोग्राम से भी पहले भी बात होती रही है, जितना लोगों को पता चले कि अगर जिनसी हरासियत होती है तो 509 के तहत आप पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, बाकायदा तौर पे इसका केस हो सकता है। हाँ। और जो इदारों में काम करने वाली औरतें हैं, अगर उनके इदारों में कमेटियां नहीं भी बनी हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो एक लेटर लिखे अपनी मैनेजमेंट को और उनको कहें कि फॉरन कमेटी बनाओ। और अगर नहीं बनती तो मैं आपको बताऊं, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी बनाई है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी खवातीन है, उनको नहीं पता अभी भी कि इस लॉ में एक्चुअली है क्या। चाहे आप लोग मीडिया पे बहुत बार बता चुके हो, आप लोगों ने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लोगों ने उनके घर तक जाके उनको बताया, लेकिन आज शायद बहुत सी ऐसी दूर दराज सुन रही हो और उनको आज पता चले। ये जिनसी हरासियत के खिलाफ कानून बने थे और ये मार्च में साइन हुए थे, सदर साहब ने साइन किए थे। इसमें एक कानून जो है वो ये कहता है कि जितने इदारे हैं पब्लिक सेक्टर, जितने इदारे हैं चाहे निजी हो चाहे हुकूमती हो, उनमें एक जाब्ता इख्लाक होगा जिसके तहत जिनसी हरासियत जो है वो जुर्म होगा, और 3 मेंबरों पर मुश्तमल एक कमेटी बनाई जाएगी हर इदारे में, और किसी भी एम्प्लॉई को कोई अगर इस तरह की शिकायत है तो उस कमेटी मेंबर के पास जाएगा और वहाँ से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, बाकायदा तौर पर उसकी सजाएं हैं, पूरा एक तरीकाकार है। इसमें फायदा यह है कि आप इदारे के अंदर ही रह के अपना मसला हल कर सकते हो, आपको वकील करने की जरूरत नहीं बाहर जाने की। दूसरा जब कानून है वो कोर्ट के थ्रू होता है, वो हमारी पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 509 है। मैं औरतों को हमेशा कहती हूँ 509 याद रखो, ये आपकी शिक है कि किसी किस्म की बदतमीजी ज्यादा या कम, आप इस शिक के तहत, इस सेक्शन के तहत आप केस कर सकते हो, ठीक है? ये औरतों को पता होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने पढ़ना है कि कानून में क्या लिखा है, या हमने बड़ी सादी जबान में उर्दू और इंग्लिश में ये ज़ाब्ता अख़लाक अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो वो वेबसाइट पर बता दें। हाँ, वेबसाइट है www asha.org.pk, आशा जो है aasha.org.pk। अच्छा, तो इससे उर्दू में भी आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा। अच्छा, उर्दू में भी है, ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब सॉरी, एक मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी मैंने बताया था कि नसीम चौधरी जो है मुजफ्फराबाद से, उन्होंने बिल्कुल, आई थिंक ये जो कंसर्न सिटीजन आपस में मिले हैं और ये जो लोग हैं उन्होंने मिलकर आपस में जो थोड़ी बहुत कोई एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुई है वो लोगों ने की है। वी कांट बी वेटिंग फॉर पीपल, यू नो, कि कोई अलादीन का चराग लेके आए। नहीं, अब जो होना था ना हेल्प वो हो गई, अब औरतों को खड़े हो जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमें बिल्कुल फ्लड की तरह एक होता है जिसमें कि जिस हालात में कोई चीज कह नहीं सकती। हाँ। क्योंकि अब मैकेनिज्म भी बन गया, अब हमें पता है कि गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, सूबों सूबाई हुकूमतें जो है वो भी बहुत सपोर्टिव है, तो फिर अब हम अगर उसका इस्तेमाल ना करें तो फिर हमारी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है वो किताब भी लिख रही है आजकल, जरूर ये भी करेंगे। मुझे पता था कि सब कामों में सोचे डॉक्टर फौजिया का एक पैर कहीं होता है, दूसरा पैर कहीं होता है, लेकिन इसमें किताब भी लिख रही होगी, ये कैसे लिखती मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो पूरी होने हो गई तकरीबन। अच्छा, वो क्या बड़े सालों से लिख रही थी, वो वर्किंग वुमेन के ऊपर है। अच्छा, और जो काम करने वाली खवातीन को चैलेंजेस होते हैं, जो उनके ख्वाब होते हैं, जो उनको मुश्किलात आती है, उसके ऊपर है। तो आजकल मैं पब्लिशर ढूंढ रही हूँ, मेरा काम तकरीबन खत्म। अच्छा अच्छा, तो कब आएगी इंशाल्लाह? ये देखिए जी, ये कुछ कार्टून्स हैं। अच्छा, जो ये साथ साथ हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो आशा की तरफ से ये सेक्शन हैरेसमेंट के लिए आए थे, आप लोग जो कुछ लिटरेचर पब्लिश करते रहे, ये उसी की कार्टून से। डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि अब जिसके साथ हरासमेंट हो उसकी बात ना हो, बल्कि जो हरास कर रहा हो उसकी बात। और ये कार्टून मेरा ख्याल है हमारे सामने भी काफी अब फेमिलियर हो गए होंगे। जो खास बात करने की वो ये है कि आजकल इस पर हम वोटिंग करा रहे हैं, और आप आशा की वेबसाइट पे जाके इसमें से जो 12 आपको लगता है कि सबसे सही है या सबसे कॉमन है, उन पे अगर आप वोट करें तो अगले साल का जो कैलेंडर है उस पर वो 12 आएंगे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल
good way of involving the public and endearing the public, है ना? हम चाह रहे थे कि आप कैलेंडर पे कुछ और शामिल, लेकिन हमें बहुत ये फरमाइश आ रही है कि नहीं हमें कार्टून ही चाहिए. तो फिर हमने कहा अभी तक 36 हैं ये. अच्छा, कार्टून यू हैव टू चूज द 12. तो इसे 12 पे आप वोट देंगे. और यही वेबसाइट है, मैं दोबारा बता दूं, www.asha.org.pk. ठीक है, तो इस पे जाके एक कोने में लिखा हुआ है वोटिंग फॉर द कार्टून्स, वहां जाके आप 12 को वोट कीजिए तो चांसेस है कि वो आ जाए. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि खवातीन को तो जैसे थोड़ा बहुत पता चल गया हो किस तरह इन्वॉल्व कर दिया, डायरेक्ट आपने यंग लड़कियों को, यंग लड़कों को कैसे आगाह किया, बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में, उनको कैसे आपने यंग लड़कों को सेंसिटाइज कैसे करना? हम लोग पहले तो जो इदारों के मर्द है ना, जो इदारों में हैं, उन वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं. और हमने ट्रेनिंग्स, पूरे ट्रेनिंग पैकेजेस बनाए और उसमें हम इदारों को कहते हैं कि अपने एचआर के लोग भेजें, अपने मैनेजमेंट के लोग भेजें. और 100 से ज़ायद हम ट्रेन कर चुके हैं. हम 20-30 के ग्रुप करके उनको 3-3 दिन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स देते हैं, ताकि अच्छी तरह से इशू के तमाम पहलू भी समझ में आ जाए, कवानीन भी समझ में आ जाए. वैसे नंबर थोड़ा लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे ट्रेनर्स का हम हब क्रिएट करें कि मीडिया के अंदर कुछ अपने लोग ट्रेन हों, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने लोग ट्रेन हों, फिर वो जहाँ जहाँ ओरिएंटेशन देनी हो वो जाएँ. थोड़ा तो ये काम हो रहा है, बाकी हमारा लिटरेचर बहुत सारा है. अभी हम रिसर्च स्टडीज़ करा रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जो लड़कियां हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं, नर्सेस के क्या चैलेंजेस हैं. तो ये हम साथ साथ रिसर्च